जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मोहित ने मुझे बताया दीदी, ऐसी क्या बात हो गई? वो तो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप यहाँ क्यों आ गए, बहुत परेशान है। अरे तकरीब। हाँ दीदी, आप उनसे बात कर लीजिए। सॉरी अक्षरा, मैं बेकारी तुम लोगों को परेशान कर रही हूँ। तुम लोग बच्चों को संभालो, मैं रूम में जाती हूँ। नहीं दीदी, आप बैठिए ना। मैं ठीक हूँ। गोलू पीलो, दूध पीलो थोड़ा सा, थोड़ा सा। अनुष्का है। हेलो, बच्चे ठीक तो है ना? हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक है। तू ये बता कि भाभी कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करवाना होगा। अच्छा? हाँ, डॉक्टर ने अभी दवाई दी है। हमें यहाँ रात में रुकने की जरूरत नहीं, हम आ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग आ जाओ। और देखो बच्चों की फिक्र मत करना, वो बिल्कुल ठीक है। सॉरी यार, सब तुम लोग को देखना पड़ रहा है। यार कैसी बात कर रहे तू, अब तू जल्दी से आ जा। ओके बाय। ठीक है। ये क्या हुआ? माँ ये रो रहा है, भूखा होगा शायद। लाओ बेटा, मैं देखती हूँ। अरे अरे भाभी माँ, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू इसे लड्डू खिला, जा। आओ लवली, आओ मैं आपको लड्डू देती हूँ। मुन्ना अब ये शांत हो गया बेटा, अपने आप सो जाएगा। बेटा तू इसे ऊपर सुला दे और तू भी थोड़ा आराम कर ले बेटा, थका हुआ लग रहा है। नहीं। मुन्ना मेरी तो आंख ही लग गई थी। बेटा अनुज और साक्षी आ रहे हैं तुझसे मिलने, जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे आगे, आपकी तबीयत कैसी है बाप? अब मैं ठीक हूँ। बैठिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन तुरंत करवाना होगा, इसलिए आज हम रात में ही निकल रहे हैं। लेकिन आप कल सुबह चले जाते? नहीं, मुंबई में मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो तो अच्छा हुआ कि पहले ही पता चल गया, वरना मुश्किल हो जाती। और टिकट्स? वो मैंने नेट से करवा लिए, अब हम पैकिंग कर लेते हैं। ओके। तबीयत की बात है बेटा, वरना हम लोग तुम्हें कभी नहीं जाने देते। इन दो दिनों में आप सबसे इतना प्यार मिला है कि लगता है अपनी फैमिली से दूर जा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है ना हमने? परिवार भी बोलते हैं और तकलीफ भी कहते हैं, ये तो हमें कहना चाहिए। तकलीफ तो हमें होगी जब ये बच्चे चले जाएंगे, घर सूना सूना हो जाएगा। कितनी चहल पहल हो गई थी ना। साक्षी बेटा तुम लेट जाओ, मुन्ना और बहू सामान रखवा देंगे। नहीं नहीं आंटी, मैं पैक कर लूंगा। अनुज चल। चलिए अक्षरा। हो गई जाने की तैयारी? जी दीदी, बस निकल ही रहे। कब आई नंदिनी, पार्टी हो गई तुम्हारी? जी माँ। अच्छा भाभी माँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो।
भाभी माँ, ये सब वैसे आप लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है, आप तो सिर्फ हमें आशीर्वाद दीजिए। वो तो हमेशा है बेटा, ये थोड़ा सा कुछ तुम्हारे लिए, ज्यादा समय नहीं था इसलिए बेटा खुश रहो, बेटा खुश रहो। लवली, चॉकलेट्स तुम्हारे लिए, अपना ख्याल रखो, तुम भी। लवली इधर आओ, इधर आओ। ये गुड़िया जैसी डॉल हमारी गुड़िया जैसी लवलीन के लिए, लो। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत परेशान किया ना? बिल्कुल नहीं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और जल्दी से ठीक हो जाइएगा। चलिए, अचानक से तेरी ट्रिप कट शॉर्ट हो गई। हाँ यार, आप सब लोग भी मुंबई आइएगा। हाँ बेटा जरूर, भगवान की इच्छा हुई तो। चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता। नहीं नहीं यार, ड्राइवर है ना, वैसे भी एयरपोर्ट के अंदर सीधे चले आते हैं, तेरा फायदा क्या। अच्छा जी चलते हैं, राधे कृष्ण। अच्छा चलो बेटा, बाय बाय लवली, बाय। नंदिनी तू बता कैसे रहा तेरा? माँ बहुत अच्छा था, इनके ऑफिस के सब लोगों से मिली, बहुत मजा आया। मोहित कह रहे थे कि जब तक माँ की तबीयत पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए मैं यही रुक जाऊं। नंदिनी तू बहुत भाग्यशाली है बेटा, जो तुझे मोहित जैसा पति मिला। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं बेटा। माँ इतनी देर हो गई है, आप लोग भी खाना खा लीजिए ना। हाँ मैं खाना लगवाती हूँ, चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तो मैंने थोड़ा ज्यादा गर्म दूध दे दिया तो पिया ही नहीं, और एक बार थोड़ा ज्यादा ठंडा दिया तो वो भी नहीं पिया, तब जाके अंदाजा हुआ। ऐसी बातें तो धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। हाँ माँ, और एक बार पेट भर जाए तो बस अपनी बहन के साथ खेलना शुरू। दोनों कितनी मस्ती करते थे ना। घर खाली खाली लग रहा है ना? वो तो है, बच्चों से ही होती है घर की रौनक। अक्षरा बेटा, कुछ दिनों से सोच रही थी तुमसे एक बात कहूं, लेकिन पता नहीं तुम्हें ठीक लगेगी या नहीं। क्या हुआ माँ बताइए ना। बेटा अब तुम्हें और मुन्ना को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि अब तुम्हारी गोद भरे। इस बारे में सोचना शुरू करो बहू। नैतिक दूध। हाँ थैंक्स। कैसे कहूँ, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे क्या बड़बड़ा रही हैं आप? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं रात को।
नहीं, वो बस ऐसे ही। कैसे कहूं? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मतलब? मतलब कि मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको पता है? हाँ। क्या? वही, जिसे कहने में आपको बहुत शर्म आती है। क्या? यही कि आप मुझसे बहुत प्यार करती। नहीं नैतिक। क्या नहीं करती? नहीं नहीं करती हूँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। लेकिन बस बाकी बातें कल, आजकल आप बातें बहुत करती। नैतिक। अक्षरा, चले गए हैं। माँ ने जो कहा है आज वो बात इनसे करनी पड़ेगी। क्या कहूँ मैं? अरे आप यहाँ पर हैं? देखा ना, मैं लेट हो गया। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मैंने आपको उठाया था लेकिन आप उठे ही नहीं। बहुत गहरी नींद में थे, कुछ कुछ तो बोल रहे थे। फिर मुझे लगा उठ जाएंगे लेकिन आप फिर सो गए। लीजिए। नींद में कहा होगा, पता नहीं सुबह इतनी नींद क्यों आती, खास तौर से ठंड के मौसम में। नैतिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। मैं अब अशरफ, लैपटॉप का चार्जर कहाँ है? अब यही तो था। मिनट, प्लीज जल्दी से ढूंढ दीजिए। बाबूजी नीचे इंतजार कर रहे होंगे, और अगर आज नहीं उनके साथ टाइम से गया ना तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे। इसमें होगा शायद। एक मिनट। देर हो रही है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बस मैं रेडी हूँ बाबूजी, वो लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा है। बेटा, ग्राहक हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। चलो जल्दी। जी। अरे चार्जर तो यही है, सॉरी वो जल्दी में दिखाई नहीं दिया। चलो जल्दी चलो। जी। अच्छा अक्षय, ये सब रात को तैयारी कर लिया करो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वर्षा हर पल सर पे तलवार लटकती रहती है, अब गिरी अब गिरी, क्या होगा इसे? समझ में नहीं आ रहा है। कितना क्यूट है। वर्षा भाभी। धनिया, वर्षा तुम उसे संभालो, मैं इसे छुपाता हूँ। जल्दी जाओ। वर्षा भाभी चाय ना मुझे थे। हम रख देते हैं वर्षा भाभी। अरे आज मैं रख देती हूँ। थैंक यू। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्या करें इसका? देखिए ना कैसे बेचैन लग रहा है, खेलने के मूड में रखता है। काश हम इसे कहीं बाहर ले जा सकते, जब से आया है बेचारा कमरे में ही बंद है। लेकिन कैसे ले जाएं? हम एक काम करते हैं, सबसे कह देंगे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और टोकरी में छिपा कर लेके जाते हैं। हाँ ये सही रहेगा, लेकिन अच्छे से छिपा देना। हाँ, मैं टोकरी लेके आता हूँ। नंदिनी बेटा, कोई कपड़े हैं तो दे दो, धोबी आने वाला है। नंदिनी, क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं छोटी माँ। तो इतनी गुमसुम सी क्यों हो? जब से आई हो हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई, घर में मेहमान भी तो थे। अच्छा बताओ कैसी रही तुम्हारी पार्टी? अच्छी थी छोटी माँ, जैसी होती है पार्टीज, सबसे मिलना हो गया बस। बेटा
कुछ छुपा रही हो मुझसे? क्या बात है नंदिनी, बताओ। छोटी माँ, मैं खुद बहुत दुविधा में हूँ। मैं क्या बातें हो रही है चाची भतीजी में? कुछ नहीं भाभी माँ, नंदिनी से उसके ससुराल का हाल जान रही थी बस। फुर्सत ही नहीं मिली ना हमें पास बैठ के बातें करने को। भाभी माँ, अनुज के बच्चों में कितना घुल मिल गए थे ना। हाँ, बहुत मन लग गया था उनसे हमारा। छोटी दुल्हन, तूने बहू से बात की? अपनी इच्छा बता दी मैंने उसे। तो क्या कहा उसने? पहले तो घबरा गई, लेकिन बाद में सोचने लगी। सच कहूं भाभी माँ, मुझे भी बहुत अजीब लगा बहू को कहते हुए, लेकिन अब वो मुन्ना से जरूर बात करेगी। अच्छा किया जो तूने अपने मन की बात बच्चों के सामने छेड़ दी। क्या बात छोटी माँ? कुछ नहीं, हम दोनों चाहते हैं कि हमारा आंगन भी बच्चों की किलकारियों से गुंज उठे। और क्या, कितने अरमान है मेरे कि मेरी गोद में भी पोता पोती खेले। अक्षरा से इसलिए मैंने कह दिया। जल्दी जल्दी जाके इसको घुमा लाते हैं, इससे पहले कोई देख ले। हां, अरे वर्षा, नानी कहां जा रहे हो? नानी, वर्षा को डॉक्टर के पास जाना है। इतनी बड़ी टोकरी लेकर क्या है इसमें? वर्षा का सामान है, शॉल वगैरह, वो सब लेके जा रहे। अरे तो कोई अच्छा सा बड़ा सा थैला लेके जाना। हाँ, ये टोकरी तो ऐसी लगती है जैसे फल लेके जा रही है। रुक, मैं लेके आती हूँ। नानी, टाइम नहीं है। अरे तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरी गाड़ी छूट रही है। हाँ रुक जा, मैं लेके आती हूँ। नानी मर गए अब तो पक्का। आप नानी पक्का इसे देख लेंगी। शौरी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इसका शौरी क्या हुआ। कहाँ गया? कहाँ गया? वो रहा। पकड़ पकड़ पकड़। वर्षा जल्दी दो, नानी आ गई ना। सर कंट्रोल। अरे वर्षा, लो इसमें रखो अपना सारा सामान। अरे अब मुंह क्या देख रहे, जल्दी रखना, डॉक्टर चला जाएगा। वर्षा हाथ रख लो जल्दी। अरे अरे समधन जी, ये टोकरी तो कितनी सुंदर है, आप इसे बदलने के लिए क्यों कह रही हैं? ठीक तो है, अब ले जाओ। लेकिन समधन जी, समधन जी, आजकल के बच्चों का फैशन अलग अलग है, हमारे जमाने की तरह नहीं। अब तो सब अपने मन की चाहते हैं। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, एक बात कह रही हूँ, आपने अपनी बहुओं को सर पे चढ़ा के रखा है, चाहे वो वर्षा हो या सुनैना। अरे चार बातें मुझसे बुलवाई लेते हो, नहीं तो क्या। ये सब क्या है, कहां से लाए हो इसे और यहाँ क्यों रखा हुआ है? सॉरी दादी, वो गलती से हमारी गाड़ी में आ गया था इसलिए। हाँ दादी, हम आपको बाद में सब बताते हैं, जरा इसको घुमा लाए, कब से अंदर बैठा बैठा चटपटा रहा है। शरे, ये बहुत गलत बात है बेटा, इसे इस तरह घर में छुपा कर नहीं रख सकते। दादी अब तुम रुक जाओ और जल्दी आना। जी जरूर। अक्षरा, हाँ आज क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं माँ, वो बस पता नहीं क्यों आज बार बार खुल रही है। मैं दिखाती हूँ, दो। राजश्री बहन तो वर्षा की गोद भराई की तैयारियों में लग गई होंगी, घर में बहुत रौनक होगी। हाँ ये अवसर ही ऐसा होता है, हमारे घर में 18-19 साल पहले गोद भराई हुई थी जब रश्मि होने वाली थी। कितने लोगों को बुलाया था याद है ना छोटी दुल्हन? शादी पे हमें रौनक तो होती है लेकिन मन में एक चिंता घबराहट सी होती रहती है, लेकिन गोद भराई जैसी रस्म हो
तो सबका मन सिर्फ आनंद से, उम्मीदों से भरा रहता है ना? हाँ भाभी माँ, ये दिन कोई भी औरत कभी नहीं भूलती। अक्षरा बेटा रहने दो, हम लोग कर लेंगे। सूरज ढलने वाला है, जो मसाले सूखे हुए हैं ना गुलाबों को कहो कनस्तर में डाल देगी। हाँ जाओ बेटा। अक्षरा बेटा, मुन्ना से बात की तुमने? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।